स्टूडेंट्स कैसे आप उम्मीद है खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आपके लिए मैं लेक्चर नंबर 21 से 24 तक ऐसे 50 इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ लेकर आया हूं जो कि पेपर में लाजमी आने वाले हैं तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है और स्किप नहीं करनी इसके तमाम के तमाम एम सी क्यूज हंड्रेड परसेंट है तो ये वीडियो आप लाजमी देखें पेपर देने जब जाएँ तो उससे पहले भी लाजमी देख कर जाना है उसके अलावा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी लेक्चर की वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहे तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ स्टूडेंट्स जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो ये है कि व्हेन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एब्रोगेटेड एब्रोगेटेड से मुराद ये है कि टर्मिनेट कब किया गया हटाया गया खत्म किया गया 1956 का कानून 7 अक्टूबर 1958 को खत्म कर दिया गया एब्रोगेट कर दिया गया टर्मिनेट कर दिया गया दूसरा एमसीक्यूज है द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन provided list including federal, provincial and concurrent. उन्नीस सौ छप्पन के कानून में ये तीन लिस्टें थी हाउस की फेडरल था प्रोवेंशियल था और कंक्यूरेंट था इम्पोज दार्शल ला ऑन अक्टूबर सेवन नाइनटीन फिफ्टी एट देखिये उन्नीस सौ छप्पन का कानून खत्म किया और मार्शल लॉ लगाया गया फर्स्ट मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाया अगर ये कंफ्यूजिंग हो तो इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ चूंकि ए अयूब खान ए से बनता है तो ए पहला हरूफ है और तो फर्स्ट मार्शल अयूब खान ने लगाया तो ये इसकी सादा सी ट्रिक है वैसे वेन कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली केम इंटू एग्जिस्टेंस सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली उन्नीस में बनी थी वन यूनिट स्कीम इंट्रोड्यूस वन यूनिट स्कीम जो है अक्टूबर 1955 इसकी डेट है लेकिन यहाँ पे चौदह अक्टूबर उन्नीस सौ पचपन दी हुई है तो वैसे अक्टूबर उन्नीस सौ पचपन बुक में जो है इसकी डेट अक्टूबर उन्नीस सौ पचपन तो इसका जो जवाब है वो चौदह अक्टूबर उन्नीस सौ पचपन है दबजेक्टिव रेजोल्यूशन हैज़ बीन इन परमेबल ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ऑबजेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसने सबसे पहला कानून बनाने में मदद दी और वो जो पहला कानून था हमारा वो उन्नीस सौ छप्पन का कानून है According to 1950, 1962 Constitution, all the executive, legislative and judicial powers were entitled to President. 1962 का कानून जो था ये Presidential जो था Constitution और इसके तहत तमाम की तमाम power जो थी वो President के पास थी। But was the primary task of Basic Principle Committee? Uh, basic Principle Committee जो बनाई गई उसका primary task क्या था? बी पी सी बेसिक प्रिंसिपल कमेटी नाम से ही जाहिर है तो इसका काम यह था कि मुस्तक के जो कॉन्स्टिट्यूशन uh, बनाया जाए पाकिस्तान का उसके हवाले से कुछ uh, बुनियाद बनाना था विच कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड एज द्रेजिडेंशल कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया आपको उन्नीस सौ बासठ का कानून जो है ये प्रेजिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं तो उन्नीस सौ बासठ का कानून इसका जवाब हुआ ठीक है अगला एमसीक्यूज है हाउ मैनी आर्टिकल फॉर देर इन नाइनटीन सिक्सटी टू कॉन्स्टिट्यूशन टू फिफ्टी आर्टिकल्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये और उन्नीस सौ छप्पन के देखिए उन्नीस सौ छप्पन चूंकि पहला कानून था उसमें आर्टिकल कम थे ठीक है उसमें कितने थे दो सौ चौंतीस यहाँ पर आर्टिकल्स की तादाद दो ही है दो सौ चौंतीस और दो सौ पचास अब कैसे पता चलेगा दो सौ चौंतीस है कि दो सौ पचास है उन्नीस सौ छप्पन पहला आर्टिकल था तो उसमें आर्टिकल्स की तादाद कम थी उसमें थी दो सौ चौंतीस उन्नीस सौ बासठ का दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशन इसमें जो आर्टिकल्स की तादाद थी वो बढ़ गई इम्प्रूवमेंट हुई मज़ीद आर्टिकल्स ऐड किए गए तो वो हो गए दो सौ पचास तो उन्नीस सौ बासठ के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो दो सौ पचास थे हु इज़ अथराइज टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अंडर नाइनटीन फिफ्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन उन्नीस सौ छप्पन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुताबिक अपर प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता था प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड अंडर द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ये रिपीट हो रहा है प्रेसिडेंशियल जो था व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बोग्रा फार्मूला इन अपर हाउस देयर वुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ईच फाइव यूनिट्स टू रिजॉल्व डेडलाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन हाउस पॉपुलेशन विल बी रिप्रेजेंटेड तो ये तमाम के तमाम बोगरा फार्मोला के मकसद थे तो इसका जवाब हुआ आल मुस्लिम लीग लीडर्स वर नाट इन दर्थोडॉक्स स्टेट इन विच कोर्ट मोरवी तमीजुद्दीन चैलेंज दूशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली सिंध हाई कोर्ट बहुत बार पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट है ये In nineteen fifty-six constitution of Pakistan was abrogated on 7th of October 1958. What was the reaction on the Bogra formula? reaction or it also solved the problem of national language. It was welcomed in both parties of the country. The principle of parity and representation or तो फार्मूला ने ये तमाम के तमाम जो मसाइल थे इनका हल पेश किया था पिछला जो सी क्यों था इस फार्मूले में जो रिएक्शन था वो ये था कि ये मसाइल हल हो गए अकॉर्डिंग टू बोग्रा फार्मूलाचर वुड कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी हाउसेज टू हाउसेज अपर हाउस एंड लोअर हाउस अकॉर्डिंग टू दबजेक्टिव रेजोलूशनिटी बिलोंग टू होम अलमाय

जबकि लगाया गया था उन्नीस में. छप्पन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यून असेंबली वॉज हेल्ड ऑन अगस्त इलेवन नाइनटीन कराची फर्स्ट कॉन्स्टिट्यून असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी वो कराची में हुई थी व्हेन दाइनटीन सिक्सटी टू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अप्रोगेटिड मार्च ट्वेंटी उन्नीस सौ बासठ का जो कानून था वो तहलील कब किया गया हटा कब दिया गया मार्च पच्चीस उन्नीस सौ उनहत्तर को हटाया गया था मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज वन डी डाइब खान इंट्रोड्यूस बेसिक डिमोक्रेसी पाकिस्तान नाइनटीन फिफ्टी नाइन इज़ दी करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पाकिस्तान शैल बी एन इस्लामिक स्टेट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट था और इस पर फिर ऑब्जेक्शन लगाया था नन मुस्लिम जो थे ठीक है उसके बाद से फिर ये डेमोक्रेटिक स्टेट स्टेट बना इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट स्टेट बना था और उससे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में अगर बात की जाए तो इस्लामिक स्टेट था हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट अंडर द नाइनटीन फिफ्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर वाज द हेड ऑफ गवर्नमेंट द बेसिक प्रिंसिपल कमेटी वाज फार्म ऑन मार्च ट्वेल्व नाइनटीन फोर्टी नाइन बी पी सी जो बनाई गई थी पहली वो बारह मार्च उन्नीस सौ उनचास

फर्स्ट uh, जो सी ए थी उसके मेंबर कितने थे उनहत्तर से सिक्सटी नाइन टू सेवेंटी नाइन थे हु डिसमिस्ड कैबिनेट ऑफ ख्वाजा निज़ामुद्दीन सिकंदर मिर्जा इज दी करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू नाइनटीन सिक्सटी टू कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी वाज अ रेकमेंडरी बॉडी द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम इन टू इन नाइनटीन फिफ्टी Four. the द लास्ट वन इज़ moved objective ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन correct आंसर इज़ लियाकत अली खान अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक करें स्टूडेंट्स इसी चैनल पर अगले जो लेक्चर्स हैं 25 से 28, उनकी वीडियो भी अवेलेबल है उनमें भी ऐसे ही 50 इंपॉर्टेंट एप्सिक्वज आपको बताएंगे गए हैं जो कि पेपर के लिए से इतहाई है और इसी तरह कोइज में भी इतहाई इंपॉर्टेंट होंगे उसके अलावा अगर ये फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं इसी चैनल पर तमाम के तमाम लेक्चर्स मौजूद है शॉर्ट लेक्चर्स जिसमें सिर्फ एम को हाईलाइट किया गया है अगर आप इनफरादी तौर पर कोई लेक्चर सुनना चाहते हैं वो भी सुन सकते हैं तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जनाब तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़